चिटफंड एंड कंपनी पीएसीएल में डूबा हिमाचल लोगों का 800 करोड़। दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ इसमें हिमाचल प्रदेश की आई। हमारे पास चिटफंड फैंसी कंपनी पीएसीएल में देश के 5,85,00,000 लोगों की 49,00,00,000 रुपए की खून पसीने की कमाई डूबी है। हिमाचल उत्तर प्रदेश में 8,00,000 लोगों ने भी 80 करोड़ रुपए की कंपनी में निवेश किया था, जो अब डूबने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और को पीएसएल कंपनी संपत्ति की कुर्की करने करके निवेशकों को उनके पैसे 6 महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिए थे, लेकिन 6 महीने का समय बीत जाने के पर भी पैसे ना मिलने से निवेशक सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों पीड़ित लोगों ने ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी संस्था के बैनर तले शिमला में सेबी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार को तुरंत पैसे भुगतान कराने की मांग की। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति उपाध्यक्ष सोबर दत्त ने बताया कि पीएसएल कंपनी के पीड़ित लोगों को कोर्ट ने सेबी को 6 महीने के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सेबी ने अभी किसी को पैसा नहीं दिया है। सेबी ने निवेशकों को ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए थे, अभी लोग ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं करवा सके हैं, इसलिए निवेशकों को ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने की शीघ्र भुगतान किया जाए और जिन निवेशकों को नॉमिनी की मृत्यु हो गई है उनके परिवार को किसी भी व्यक्ति उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया जाए। निवेशकों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 महीने के भीतर उनके पैसे भुगतान से भी नहीं करती तो देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी उग्र आंदोलन होगा। दोस्तों ये एक बड़ी कामयाबी इस वक्त निवेशकों की हमें दिखती नज़र आ रही है। दोस्तों अब वह दिन दूर नहीं जब निवेशकों का पैसा ना मिल सके। दोस्तों यही इसी तरीके से अगर निवेशकों ने अपनी जिंदा दिली दिखाई तो दोस्तों 49,000 करोड़ हमें मिल सकता है। ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।